जिला परिषद श्री गंगानगर के जोन नंबर 11 से भाजपा के संभावित उम्मीदवार राजेश भादु की धर्मपत्नी द्रौपदी भादु की चर्चाएं जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी राजेश भादु को जोन नंबर 11 से चुनाव मैदान में उतार सकती है। राजेश भादु को क्षेत्र की जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि राजेश भादु भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने राजेश भादु पर विश्वास जताया। राजेश भादु ने डीपी के न्यूज को बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी से जुड़े अपने जीवन परिचय के बारे में उन्होंने बताया कि मैं पिछले 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूं और राजनीति में मुझे कोई विरासत नहीं मिली। ...2004 में सबसे पहले छात्र संगठन एसएफआई का सदस्य बने। कक्षा 12वीं में उसके बाद बीए में बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कॉलेज डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में स्नातक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उसी साल बीकानेर संभाग के सबसे बड़े फीस वर्दी आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं 54 दिन चले इस फीस वर्दी आंदोलन में एसएफआई संगठन की तरफ से 9 दिन की भूख हड़ताल पर भी राजेश भादु रहे। बीकानेर संभाग के अंदर यह आंदोलन छात्र राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था। 54 दिन चले आंदोलन में सरकार को भी झुकना पड़ा। इतिहास में पहली बार जिन छात्रों ने फीस जमा करवाई थी उन छात्रों को सरकार ने कॉलेज में काउंटर लगाकर फीस को पुनः छात्रों को दिलाने का कार्य किया। इस बड़ी जीत के बाद पूरे बीकानेर संभाग में छात्र संगठन एसएफआई का दबदबा रहा। जिस समय राजस्थान सरकार ने छात्र संगठन के चुनावों पर रोक लगाई तो पूरे बीकानेर संभाग में राजेश भादु ने एसएफआई में रहते हुए पूरे छात्र संगठन का नेतृत्व किया। उसके बाद में सूरतगढ़ की राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लिया और यहां अपना छात्र राजनीति का करियर शुरू किया। एसएफआई के तहसील अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिले के उपाध्यक्ष और उसके बाद में 2 साल एसएफआई का जिला अध्यक्ष भी रहे। तो वहीं 2010 और 2011 में जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में सरकार ने कॉलेजों में छात्र संगठन के चुनाव की घोषणा की तो पहली बार हो रहे छात्र चुनावों में पूरे गंगानगर जिले में एसएफआई सभी कॉलेजों में अपने अध्यक्ष जीतने में कामयाब हुई। सूरतगढ़ के 5 कॉलेजों में एसएफआई के अध्यक्ष बने। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी सीपीएम की सदस्यता भी राजेश भादु ने ग्रहण की। 2005, 2006 व 2007 में चले किसान आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका रही। तो वहीं सूरतगढ़ तहसील के गांवों में जिन कॉलेजों में जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही उन स्कूलों में तालाबंदी की और पूरे तहसील में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, चाहे फीस वर्दी का आंदोलन हो या सीट बढ़ाने का आंदोलन हो। छात्रों की अन्य मांगों का वो हमेशा से ही आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाकर छात्रों की आवाज और उनके हकों को मजबूती प्रदान की।